कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने में एक बार फिर तमाम नाजरीन का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप सबको मालूम है कि जुमे का रोज है, शाम के वक्त हम एक नई एपिसोड एक नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने तमाम नाजरीन से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि बोलते आईने के यूट्यूब चैनल को आप किसी वक्त सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर जुमे के रोज एक नई शख्सियत के एपिसोड जो कराते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेजबान समसम डेविड। दोस्तों, आपको मालूम है कि बोलते आने की मार्फत हम हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ की मुश्तरका जो हमारा म्यूजिक डांस थिएटर फाइन आर्ट्स, जिसको हम सॉफ्ट पावर का रहते हैं, इस सॉफ्ट पावर के थ्रू हम जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपनी सभ्यता का, सिविलाइजेशन का। और ये वो वक्त आ गया है कि एक ऐसी शख्सियत के साथ मैं आपके म्यूजिक के डोमेन से मिलाने जा रहा हूँ, और म्यूजिक में वो भी कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, और इंस्ट्रूमेंटल में जब नाम आता है तो एक खास इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है जिसका नाम है सरोद। और जो सरोद का नाम लेते हैं तो एक ऐसी बड़ी शख्सियत जिसको अब मैं मिलवाने जा रहा हूं, उनका नाम है दानिश असलम खान साहब। दानिश असलम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस वक्त आपकी शाम की महफिल में और इस नशस्त में, जो हम आज आपकी भेंट अपने तमाम बोलते नाजरीन के वर्ल्ड ओवर जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे मुलाकात करा रहे हैं। और आपको देख के मुझे बेहद मसर्रत इसलिए हुई है क्योंकि आपका करीबन 30 साल से ऊपर है मैं आपको जब भी मिलता हूँ, आपकी जैसी हसीन पर्सनैलिटी देखने में भी और अंदर से भी, यानी जिसे कहते हैं सूरत और सीरत, दोनों में आप नंबर वन है मेरे लिए, बड़ा अच्छा लगता है। आपकी पैदाइश मेरठ उत्तर प्रदेश में हुई थी और आप अपनी आठवीं पीढ़ी जो है अजरारा घराना, जो कि बड़ी मशहूर रही है तबला वादकों के लिए, बहुत बड़े बड़े तबला वादक यहाँ से निकले हैं, अजरारा घराना बहुत मशहूर है। आपके वालिद तो एक आउटस्टैंडिंग फिगर, जिनको हम मैंने भी देखा है और लोग उनको जानते हैं, उस्ताद हशमत अली खान साहब को। और अलावा इसके बहुत बड़े बड़े उस्ताद आपके अजरारा घराने से निकले हैं, उस्ताद नन्ने खान साहब, मोहम्मद शफी खान साहब, उस्ताद अल्लाह दिया खान साहब वगैरह वगैरह। और आपके ब्रदर जो इतने बड़े उस्ताद अकरम साहब, उनको भी पूरी दुनिया जानती है। आपने, आपको तबला तो आता है ये तो मुझे पता है, लेकिन आपने पर्पजली कोई ऐसा उद्देश्य रहा, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव रहा कि आपने सरोद को पकड़ा है, कि भाई सरोद से बड़ा लगाव था क्योंकि सरोद का मतलब सुर, अच्छे सुर वाला साज, और आपको बड़ा, और सरोद का मतलब भी यह है कि सुर के साथ साथ एक डीप भारी रेजोनेटिंग और एक इंट्रोस्पेक्टिव जिससे आवाज निकलती है, वो सीरियस इंस्ट्रूमेंट आपने पकड़ा। तो ये किस तरीके का एक आपकी बिगेनिंग या शुरुआत रही, बचपन से किस तरीके से आपने संगीत में शिक्षा प्राप्त की, और उसके बारे में फिर सरोद के बारे में, सरोद ही क्यों पिकअप करा, इसके बारे में आप हमारे नाजरीन को आप इस वक्त बताइए। वेलकम। सबसे पहले मैं सबको आदाब करता हूं और मैं आपका, समसम भाई का, मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज मुझे इस जगह बुलाया। और समसम भाई की मैं कुछ तारीफ नहीं कर सकता हूँ जो इन्होंने काम किए हैं, इनको सब चीज़ों का बड़ा अच्छा इल्म है, म्यूज़िक का भी, पढ़ाई लिखाई से भी, इससे भी, मतलब ये चारों चूल बराबर आदमी है।
तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सैमसन देवी भाई जी। ये असल में जो मुझे साज जो मिला ये सरोद हुआ ये कि हमारे वालिद जो थे हशमत अली खान साहब जी, वो खान साहब को रियाज कराते थे जाकर, उस्ताद अमजद अली खान साहब को, गुरु अमजद अली खान साहब को। वाह वाह। और ये असल में जब डैडी भारतियाला केंद्र में थे वहां पर, और ये रियाज किया करते थे, तो ये इनकी 10-8-9 साल की उम्र थी इनकी, तो तब की बात है कि, तो डैडी असल में उस चीज से बहुत ही एक मायूस हो गए थे कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि भाई तबलीग को कम मिलता है पैसा और इनको ज्यादा मिलता है सब, या सितार वाले हो या सितार वाले हो, सरोद वाले हो या गाने वाले हो। बिल्कुल सही कहते। तो डैडी ये कहते थे कि भाई मैं इसको नहीं बतलाऊंगा, मैं इसको बताने नहीं देने का हूँ, और ये सरोद ही बजाएगा। तो वही बात, लेकिन वही बात फिर इतनी आके वो ऊपर जब आ गई तो मतलब 1980 के बाद में इसको तबले को ज्यादा उरूज मिला। अच्छा, आज आप देख लीजिएगा तबला सबसे ज्यादा उरूज है, जाकिर भाई, अनिंदो भाई, और ये सब लोग बहुत ही शफाफ खां थे, वो लतीफ खां साहब थे, ये सब लोग इतने उरूज पर हो गए, उस्ताद लहरा खां और ये शामता प्रसाद जी और कृष्ण महाराज जी, मतलब इन्होंने एक अलग इसका मकाम बना। तो फिर डैडी पछताए भी कि मुझे तुझे तो भाई मैं तबला बताना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, अब ये अच्छा आएगा, मैं इसको बजाता हूँ। तो फिर उन्होंने अक्रम को तबला बता दिया, ये बात। तो वो असल में इस चीज़ से बहुत ही वो एकदम बहुत परहेज करने लगे थे कि भाई हमें तो 300 रुपये दे रहे हैं ये, और खुद 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं उस ज़माने में, 60 में, 68 में, ये बात। बहुत सही कहा, मुझे इसलिए मुझे सरोद सिखलाया। तो फिर मुझे उन्होंने अपने नाना के पास भेज दिया, उस्ताद अब्दुल गनी खान साहब जो कि किराने घराने के थे, और मेरे मामू भी सरोद बजाते थे, एक तो फिरदौस अहमद खान साहब और दूसरे अब्दुल समी, अभी हैं वो वहाँ लक्ष्मी नगर में रहते हैं, जिनसे मैंने सीना बा सीना सीखा। अब्दुल गनी खान साहब से, अपने नाना से और समी मामू से मैंने सीना बा सीना सीखा। उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया कि उन्होंने तो पाला ही मुझे, उन्होंने मुझे पाला ही, उन्होंने की बहुत मेहरबानियां मुझे। बहुत अच्छी बातें बताएं। अच्छा, ये जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि शाम का वक्त है, जुम्मे का रोज है, और आज इसकी जो नशिस्त की जो शुरुआत हम करें, इस महफिल की शुरुआत करें, जाहिर है कि क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है खासकर, ये तो एक कोई शाम की राग चुना जाए। और इस जहन में मेरे बात आ रही है कि यमन कल्याण, अगर आप यमन पे कुछ, अगर आप कुछ छोटा सा पीस बजा के एक शुरुआत की जाए आज शाम को, ताकि एक रंगीन बनाया जाए शाम, तो प्लीज यमन पेश कीजिएगा। और देखिए, मैं आपको बतला दूं कि यमन तो लोगों ने बहुत बहुत गाया बजाया है, बहुत अच्छा अच्छा गाया बजाया है। मैं तो कोशिश करने वाला आदमी हूँ, कोशिश करूंगा आपके सामने थोड़ा सा पेश करूँ। जी जी जी। Thank you.
बहुत अच्छा आसम भाई। आसम भाई, ये इस वक्त मेरे जहन में कुछ ऐसे सवालात पैदा हो रहे थे। एक मैंने ये सोचा कि ये जो सरोद इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके का होता है, कितना महंगा होता है, कैसे बनता है, क्या इसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है, कि अलग अलग मटेरियल भी इस्तेमाल होता है, तो इसका मटेरियल लग रहा है दो तीन चीजों से अलग अलग बना हुआ है, और ये कहाँ से इसकी ईजाद हुई के? कुछ लोगों की कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, वो कहते हैं कि साहब यहाँ पर बहुत पहले से हिंदुस्तान में मौजूद था, कोई कहते हैं कि नहीं अफगानिस्तान से रवाब आया, फिर उससे, ये कई हैं। आपके ओपिनियन में ये कैसे, कहाँ से आया, और ये किन किन मटीरियल ये जो बना हुआ है इसमें क्या यूज होता है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये रबाब के बाद बना था। रबाब पहले था, अच्छा, बाबा मर्दाना साहब के टाइम से। ओके, और ये तब बना है। अब लोग जैसे भी कहते हैं उनकी अपनी सोच है, लेकिन मुझे जो कि कुछ मालूम है वो यही है। तो जब ये रबाब के बाद में सरोद जी, और सरोद में जो वजीर खान साहब थे, साथ वजीर खान साहब जो रामपुर के थे, वो रामपुर दरबार में मुलाजिम थे। ओके। तो उनके शागिर्दों में ये अलाउद्दीन खान साहब, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, ओके, बाबा अलाउद्दीन खान साहब जिन्हें कहते हैं, और उस्ताद हाफिज अली खान साहब, क्या बात। तो ये दो ही, और फिर जब ये उनके शागिर्द थे तो इनका बड़ा नाम हुआ हिंदुस्तान के अंदर। जी जी, जिनकी वजह से सरोद को आज इतना लोग जाने, हालांकि इनसे पहले भी बजाए, अच्छा, इनसे पहले भी लोगों ने बजाया, लेकिन इनके बजाकर ना, तो लोग इनको ही जानते कि इनसे ही सरोद आया, इनसे ये हुआ, लेकिन इनसे पहले भी था। ओके। Okay. इनके जो वालिद, जैसे अमजद अली खान साहब के जो दादा थे, हमारे उस्ताद के दादा जी, या उनके परदादा, वो सब अफगानी थे, अफगानिस्तान से। अच्छा अच्छा। और ये बंगाल के थे ये। अच्छा, ये बात। लेकिन इसमें सरोद जो वो रबाब के बाद ही बना, पहले अभी भी लोग तालीम जो देते हैं ना पहले, तो वो रबाब की देते हैं। अच्छा, जो सही तालीम लेने वाला आदमी होगा वो रबाब बजाने के बाद सरोद देता। मैं हूँ, मैंने पहले रबाब की, मुझे तालीम हुई है, मैंने तालीम ली रबाब की, लेकिन सरोद बाद में बजाया, क्योंकि वो जैसे कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे आप गाएंगे ना तो आपको पहले ध्रुपद गाना पड़ेगा, तब ख्याल आएगा, और ख्याल गायक आने के बाद, ख्याल की गायकी आने के बाद में आप तुमकी दादरा गाएंगे, मतलब फाउंडेशन आपकी वहां से होनी है, तब आप
पहले पांचवी क्लास कीजिए फिर आप आगे बिल्कुल 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 बेसिक आपको जब तक आपने आपको जब तक ख्याल गायकी तभी आएगी जब आप पहले ध्रुपद का ज्ञान होना चाहिए। बहुत ठीक कह रहे हैं आप। और ध्रुपद और जब ख्याल गायकी आए तो आपको ये उसके बाद में सब आप गाने की और इसकी सब तालीम लेंगे तब आपको गाना गाना लाइट म्यूजिक पे आएंगे फिर गजल गाना ये जो है ये असल में इस तरह से मतलब सिस्टमेटिकली बना हुआ है। हाँ बेसिक्स आपके फाउंडेशन नींव जो है वो सही होनी चाहिए। अच्छा जो मटेरियल की बात हो रही थी इसमें क्या मटेरियल यूज होता है बनने में? भाई ये लकड़ी एक तो तून होती है। अच्छा तून में से ये पहले तून का बना करते पहले सरोज जो था अब से 30-40 साल पहले तून का बनता था लेकिन अब ये सागौन का बनता है। अच्छा। सागौन लकड़ी का बनता है ये जो कि वहाँ उधर मिलती है आसाम की जी और जहाँ तक कीमत की बात है तून तो अभी भी मेरा ख्याल 10,000 रुपये में आप ले लेंगे या 15,000 में भी ले लेंगे लेकिन इसके जो बनने की बात है वो कलकत्ता से अच्छा नहीं बनता। अच्छा और ये 1,00,000 रुपये 90,000-70,000 इस तरह का इसका रेट किया। तो मैंने तो उस्ताद जी से कहा था अपने मैंने कहा जी आप इसका कम करा दो जब अब रेट मतलब जब 70,000 रुपये में गरीब आदमी आप सीख रहे हैं सिखा रहे उसको लेकिन अब आप साज भी नहीं दे सकते उसको बजाने के लिए। हाँ, सही कह रहे हैं। बहुत 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 नाजुक होता है ये तो अब उसमें कैसे बजाएगा तो मैंने कहा जी आप उस्ताद जी इसका कम करा दो तो हंसने लगे मैं कौन होता हूँ कम करा वो तो असल में खुद ही करते हैं वो काम तो इसलिए इसका आज इसका कम यूं हो गया है बजाना कि इसके बनाने वाले जो है ना बेचने वाले इसके कम हो गए। ठीक कह रहे हैं ये बात सही है। ये पर अच्छा असलम भाई ये आप जब बजाते हैं तो बहुत जमानों से मैंने आपकी परफॉर्मेंस भी देखी है। एक बारी तो त्रिवेणी में मैंने देखा उस्ताद सईद खान के साथ वो सितार पे थे और आप सरोद पे थे दोनों की जुगलबंदी मैंने नोट करी थी करीबन 18 साल हो गए। तो सितार और इसको लेके सरोद को इनमें क्या भिन्नता है या डिफरेंस है और दोनों साथ चलते हैं तो मजा आता है लेकिन क्या बेसिक फर्क है? भाई इनका बात मैं बतलाऊं आपको पहले तो डिडिडाड़ा का इसका बाज डिडिडाड़ा वो ये बजता है इसके अंदर इसका जो सही जो एक बाज है वो ये है और सितार का भी वही है बाज सितार का भी वही बाज था डिडिडाड़ा लेकिन उसका और इसका दोनों का फिर आपस में एक मेल जो था वो इस तरह से बना कि इसमें कुछ जैसे ये इसमें बाज आया जिसको ये गहरा जवा कहते हैं। हाँ ये भी होगा तो फ्रेट की भी ये फ्रेटलेस होगा शायद इसमें फ्रेटलेस है और उसमें फ्रेट होता है सितार में और इसके इसका एक कहरे जवे को जितना उरूज हमारे उस्ताद साहब ने दिया है वो औरों को नहीं हुआ। क्या बात है उस्ताद जी ने पूरा ही इसको एक कहरे जवे से और बजाया। अब तो मतलब डिडाड़ा भी बजाते हैं इसमें पहले भी बजाते थे वो अच्छा। लेकिन इसमें डिडाड़ा का जो जिसको गायक अंग जो आया ना वो उन्हीं के बजाने से आया। अच्छा जी और लोगों ने जैसे हाँ और जैसे ये उस्ताद अली अकबर खान साहब वो तो बेश कीमत आदमी थे ऐसा आदमी नहीं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। अच्छा इतना डीप सरोद बजाने वाले और सुर में बजाने वाले नहीं होने के बहुत बेहतरीन भजन थे और उनकी जो शिष्य में जैसे शरण दानी थी या के जरीन दारू वाला या के बुद्धदेव दास गुप्ता ये उनके शिष्यों में नहीं थे लेकिन वो अच्छे बहुत बेहतरीन थे बहुत बेहतरीन। मैं बुद्धदेव दास गुप्ता का तो बहुत ही फैन हूँ। उनका एक छाया नट की रिकॉर्डिंग पुरानी है बहुत अच्छी बजती है
लेकिन इसी तरह से लोग जब बजाते हैं ना तो वो अच्छा लगता है, वो गायकी से बजाते हैं। ये देखिए आप इस मोड़ पे लेकर आ गए हैं कि मैं एक सवाल करने को ऑलरेडी माइंड में सेट था कि जब आप गायकी अंग का बता रहे हैं, आपकी मशहूरी जो हुई है वो गायकी को लेके काफी हुई है और आप गाते भी बहुत अच्छा है, आपको हमने सुना है, आप चाहे लाइट हो चाहे सेमी क्लासिकल हो चाहे क्लासिकल, हर चीज में बहुत अच्छा गाते हैं, और आपके बात के अंदर जो बात है वो गायकी अंग ही मानी जाती है ज्यादा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कोई असलम भाई कोई ऐसी चीज पेश कीजिएगा, ठुमरी कह लीजिए, और ठुमरी को थोड़ा सा गा के भी बताइएगा हमारे तमाम नाजरीन के सामीन के लिए, तो बड़ा मजा भी आएगा और रंगीन हो जाएगी शाम, थोड़ा गा के बजा के और उसको एक्सप्लेन करके कोई ठुमरी को पेश कीजिएगा। ये खमाज की एक ठुमरी है ये खमाज में बजा रहा हूँ। जी जी, अब इसमें और अच्छा खमाज के भी एक दो अंग हैं। एक तो ये खमाज बज गए रे, एक मध्यम ठाट से होता है। जी जी, इसको मांज खमाज भी कहते हैं। अच्छा, मांज खमाज, ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छा। तो इसकी एक ठुमरी है का करूं मार जगाए बलमावा, का कर मार जगाए, का कर करी मां मोरे बालमुवा। देखिए मैं आपको बतला दूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जी,
और लेकिन आपको कोई भी साज बजाने में जब आप बजा रहे हैं ना उसको अगर आप तो आपको गायकी जरूर सीखना पड़ेगा। बहुत ठीक है। और अगर आपने गायकी अंगली सीखी तो उसमें आ तो जाएगा आपको गाना बजाना, लेकिन वो उस मयार का नहीं आएगा जिसका आप चाहते हैं। अच्छा। मेरे नाना जो थे अब्दुल गनी खान साहब जी, वो बहुत बेहतरीन गायक थे वो, तो उन्होंने मुझे बताया ये। अच्छा। असल में उन्होंने तो एक बार मुझे सारंगी दे दी थी हाथ में, कहा कि तू तेरा गला अच्छा है तू ये बजा लिया था। अच्छा। तब जो मुझे पलटे वल्टे तो आते थे तो मैं उसमें पलटे वल्टे बजाने लगा तो मुझे कहने लगे कि भाई आप ये तुम ये बात बजाया थी। मैं उनके बहुत मुंह चढ़ावा था क्योंकि हमारी माँ अकेली थी, उनके तीन भाई थे ये, तो मुझे बहुत प्यार करते थे वो, तो कहने लगे भाई अभी पलटे वल्टे मत बजा जी। मैंने कहा मैं तो ये सोच रहा था कि इसमें पलटे नहीं। कहने लगे अगर 6 महीने में तूने गज़ तो तैयार कर दिया तो तेरे आधी सरंगी आ जाएगी। तो मेरा बड़ा मुश्किल काम, मैंने कहा बहुत मुश्किल है ये। अच्छा। मैंने रख दी सरंगी। हाँ। तो ये असल में मुझे रोज आना शाम को बैठ के वो इसी तरह से बताते ठुमरी। तो मैंने उनसे कहा जी मैंने कहा मैं ठुमरी दादरा सीखूंगा। अच्छा। और नहीं कुछ तो मुझे ठुमरी दादरा ठुमरी है बहुत अच्छी गाती। अच्छा। और फिलहाल जो है मैं जो अभी भी मेरी तालीम जारी है अख्तर खान साहब है, अख्तर नवाज खान, एक उस्ताद अख्तर नवाज खान जो कि वो उनके भतीजे हैं, मैं उनसे भी सीखता हूँ। उनका मुझ पर बहुत एहसान है। और वैसे तो मैंने बहुत उस्तादों से तालीम ली, कुंदन लाल जी, रोहतक वाले और मशहूर मामू से भी मैं बहुत सीखा मैंने, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब ये तो सीखना जो कभी भी कमी नहीं आती अपनी, तो ये जिंदगी का आप एक एक जैसे आपके इरादे बनते हैं ना वैसे आप जिंदगी का ये सोच लो कि आपको सीखना सकते तभी आता, कभी एक आदमी से नहीं कभी आप मुकम्मल हो। ठीक कह रहे हैं। बा, 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 अब देखिए मैं आपको बतला दूं, और उस्ताद उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। डेविड भाई मैं आपको बता दूं, आपको जो उस्ताद होंगे आज भी आप उनको याद करते होंगे, कहीं मुझे आपको मिल जाए तो मुझसे बिल्कुल है। बिल्कुल है। चाहे उन्होंने आपको इंग्लिश पढ़ाई या म्यूजिक सिखाया या उर्दू पढ़ाई या आपको ज्योग्राफी पढ़ाई, तो आप उनको याद करते होंगे। तो एक उस्ताद की जो इज्जत होती है वो अलग ही होती है, वो माँ बाप से अलग होती है, माँ बाप से ऊपर तो नहीं होती लेकिन अलग होती है। मगर इस बात को मैं यहाँ पे आपको रोक के बताना चाहूँगा, शायद आप मेरी बात को शायद माने भी, कि जमाने किस तरीके के चेंज होते जा रहे हैं, कि एक जमाना था आज से 50 साल पहले, उससे पहले भी जमाने आते रहे, फिर 40 साल पहले, 30 साल पहले, 70s, 80s, 90s, वहां तक तो हमने देखा कि हमारे उस्ताद जितने मिलते थे फर्क फर्क, चाहे वो अंग्रेजी के सिखाने वाले हों चाहे ज्योग्राफी कैसे भी होते हो, तो उनके पैर छूते थे, मिलते थे। लेकिन ये एक बड़ा ताजुब हुआ है कि जब से डिजिटाइजेशन और तमाम ग्लोब चेंज होता जा रहा है, उसी तरीके से अब उस्तादों की वो वैल्यू, वो सलाम दुआ, वो एहतराम खत्म होता जा रहा है, और वही चीज म्यूजिक में भी खत्म होती जा रही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आप वो म्यूजिक सीख रहे हैं ना, और हमारे यहाँ 1000-2000 साल से 5000 साल से सारे गामा चलता है, सारे गामा पाधा नीचे सानी दापा मान, ठीक है। तो जब आप पुरानी चीज़ों पे आपने कदम रखा उसको सीखने के लिए, हाथ रखा उसको सीखने के लिए, तो आपको पुरानी बातें भी वही करनी पड़ेंगी जिसमें फायदा होगा, समझे। उसमें कुछ भी अपनी तरफ से ना बनाइए आप बस, क्योंकि हमारा म्यूजिक जो है ये पुराने से पुराना लोग जो इसको करते आए हैं, इसी तरह से ये मन बजता है जैसे मैंने बजाया, इससे अच्छा अच्छा बजा दिया लोग जी जी जी। लेकिन जी। ये पुरानी बातें जो है ना ये बहुत फायदा देती है अपने, देखिए आप पिछली पीढ़ी से ले रहे हैं ना सीख, जो आपके बड़े हैं उनसे सीख ले रहे हैं, तो जब आप उनसे सीख ले रहे हैं तो उनकी इज्जत भी करें आप, तब आपको मिलेगा। बिल्कुल है। जो हमारी पिछली पीढ़ी है हम उससे सीख को ले रहे हैं, मैं 5 साल का हूँ और ये 20 साल के हैं, जब वो ये सिखा रहे हैं तो तुमने सब उनकी सीख ले रहे हो, जो वो सिखा रहे हैं आपको वो सीख रहे हो, तो आप उनके पाँव भी छू। बिल्कुल है।
बिल्कुल परकोलेट डाउन हो रहा है, मुंतकिल हो रहा है, उधर से होता 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 यानी कितने हजारों साल की एक सभ्यता है आपके पास है, जो कि परकोलेट डाउन होती आ रही है। आपको उसका एहतराम करना है, इज्जत करनी है, सीखना है, उसको मेंटेन सस्टेन करना है। लेकिन उस चीज की गिरावट अभी अचानक से पिछले डिजिटाइजेशन और पूरा ग्लोब जो दुनिया जो चेंज हो रही है तो कमी पाई जा रही है थोड़ी सी, वो उसको थोड़ा सा आप बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ये बात है असल में एक हर एक चीज जो है मैं अब जाकर समझाऊं, ये 90 से थोड़ा पहले समझाऊं कि यार ये हमारा जो काम है ये बहुत पुराना है और इसमें इज्जत बहुत देनी चाहिए। बस ये कहाँ तक आप इसको बचा कर रखें, इज्जत देना कहते हैं ना, ये उस्ताद की बहुत ही आदमी को आपको बतला दूं, मैं एक हमारे उस्ताद वहाँ रहते हैं मेरठ में, मैं आज भी जाता हूँ, रियाज भाई उनका नाम है, आज भी जाता हूँ मैं उनसे मिलता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जो भी कुछ सिखाया है। और फिर म्यूजिक का भी तो यही बात है, और आदमी अपने उस्ताद की इज्जत जब तक नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात बताई है। और ये तमाम इस प्रोग्राम के जरिए तमाम जितने हमारे लोग सुन रहे हैं, और खासकर यंग जनरेशन जो है जिनकी उम्र अभी 30 साल 20 साल 18 साल इस तरह, उनके लिए तो बहुत ही सख्त जरूरत है इस तरह की बात जानने। अच्छा असलम भाई, ये इस सांस का बहुत यूज किया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, खासकर जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इस जगहों पर तो बहुत लिबरली यूज किया गया है। लेकिन इसमें एक और खास बात देखी गई है, जो हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं, यानी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट या गायक गायक की या कुछ भी चीज को यूज, वो हमारा बॉलीवुड होता है। और जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो एक खास किस्म का पीरियड जिसको आप और हम सब रिलिश करते हैं वो शायद 60s का है, गोल्डन टाइम 1960s का, 30s 40s 50s भी आए, 70s 80s, लेकिन 60s ये हम सबका मानना है, शायद आप भी उस बात को मानते हैं। और उसके दौरान ऐसे ऐसे बड़े संगीतकार पैदा, उसके मैं तो 60 में तो नहीं हुआ था, मैं बाद में हुआ उसके, 60 से बाद की मेरी पैदाइश है। लेकिन म्यूजिक तो जरूर सुना होगा आपने 60s का। अरे मैंने म्यूजिक तो 35 का सुन लिया। अच्छा, और 1994 का मैंने सुना है और 1904 का भी मैंने सुना है। तो कहने का मतलब ये था जो 1960 के दरमियान के 60s जिसे कहते हैं पूरी दहाई, उसपे एक से गजब के संगीतकार पैदा हुए जिन्होंने सरोद का इस्तेमाल करा। तो बड़े रोशन साहब हैं, नौशाद साहब हैं, उपेन अय्यर साहब हैं, एसडी बर्मन जी हैं, शंकर जयकिशन, एक से एक नाम जिनके नाम सुनते रोमांचित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार बहुत सीखने को मिलता है, उनके हाथ जोड़ने को दिल करता है, कैसे बड़े बड़े संगीतकार कंपोज कर रहे हैं, नौशाद साहब ने, तमाम लोगों ने। क्या आप हमको बॉलीवुड की दुनिया में ले जाके कुछ हमारे कुछ ऐसे, अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आया अभी, असलम भाई से रिक्वेस्ट कीजिए कुछ बॉलीवुड के कोई दो एक नंबर उसमें बजा के दिखाइए प्लीज। मैं आपको बतलाऊं कि ये जो उस जमाने के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उनका तो जवाब ही नहीं था, मदन मोहन साहब और एस डी बर्मन साहब, नौशाद साहब, ओ पी नैयर साहब, और मैं आपको बतला दूं रोशन साहब, कल्याण जी, आनंद जी, इन्होंने जवाब ही नहीं छोड़ा। मतलब इन्होंने तो हर चीज ऐसी बना दी है कि जिसका जवाब नहीं। आज मैं आपको बतलाऊं और एक खयाम साहब, खयाम साहब का भी जवाब नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मदन मोहन साहब की एक कंपोजिशन है मुझे याद, सपनों में अगर मेरे आए, हाय क्या अच्छी कंपोजिशन है ये, क्या हो जाऊं तो सो जाऊं सपनों में अगर मेरे तुम आओ
तो सो जाऊं। क्या बात है। तो सो जाऊं। तब ये तो देखिए, और एक कॉर्ड्स भी बनाया उन्होंने गाना जी, एक कॉर्ड देखिए, कॉर्ड सिस्टम है। दिल पे मेरे गिराए जा शो, ये देखिए क्या अच्छे कॉर्ड दे रहे हैं। ये कॉर्ड सिस्टम से सारा गाना उस जमाने के हिसाब से। क्या बात है, क्या बात है। वाह। और रोशन साहब का, रोशन साहब चाहे तो मुरजिया ले ले सवरिया, चाहे तो मुरजिया ले ले, न देर से ना जा ना जा, तुझ पे मैं भरी रतिया। अबे क्या बता दूं, नौशाद साहब और रोशन साहब तुमने तो कमाल करके रख दिया। ऐसे डायरेक्टर कहाँ पैदा होने वाले हैं। एसडी बर्मन का भी तो सुनाओ थोड़ा सा। अरे वो देखिए, हाथों से खींच के आंचल, गाइड पे ले गए। अच्छा, तोड़ के बंधन बांधे पायल, दादा ना ना दा 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 दा। आज फिर जीने की समझना है, आज फिर मैं, ये देखिए एक ही कंपोजिशन लेकिन इसका अंतरा और अस्थाई दोनों एक ही जगह से उठता है, एक सही है। ये कमाल है, अंतरे से शुरू हो रहा है। बिल्कुल आया है, आया है, कमाल है। अच्छा, निगाहों निगाहों कंपोजिशन है। ये तो जवाब ही नहीं था उनका, और मेरे पे कोई अल्फाज नहीं इनकी, इनकी तारीफों की। और आखिर जोड़ी ये रह गई थी लक्ष्मीकांत वालीलाल, जिन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया। इनकी भी दो चार कंपोजिशन है। मेरी जिंदगी के चराग को तेरी बेरुखी ने बुझा दिया, मेरी मैं मेरे रास्ते कि मैं खाक हूँ, मुझे आज तूने बता दिया। आए देखो कैसा एक मीड आ रही, मीड आ रही, मीड मीड मीड, ये मीड की बात बिल्कुल। गाना कोई बिना मीड के नहीं बना, नहीं बिना मीड के होएगा नहीं, क्योंकि उस आजकल तो वैसे ही इंसान जो है वो भावनाओं का बना हुआ है। आजकल तो वैसे कॉर्ड सिस्टम से बना रहे, मीड आती है आजकल तो कॉर्ड सिस्टम से बना रहे मुझे, हम तो याद भी नहीं करते गाने क्या क्या आ रहे हैं क्या नहीं। हम तो अभी पुराने गाने, और जो मेरी उम्र से भी ज्यादा, मतलब आज भी मैं 50-54 के इस तरह के गाने गाता हूँ। अबे यार इनमें तो वो, मतलब अगर आपको म्यूजिक सीखना तो ये गाने सीखने से आपको गाना आ जाएगा, आधा गाना। कोई ऐसा गाना आप सरोद पे बॉलीवुड में जो यूज किए गए हैं जो हमको बड़ा अच्छा लगे, कुछ आप बजाएंगे प्लीज हमारे लिए, कोई भी? और एक नौशाद साहब का भी, उसका मेरे महबूब का, हाँ
अल्लाह जाने न जाने, अल्लाह देख रहा है। हाँ 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 जी 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 क्या बात है, वाह वाह वाह, ये देखिए क्या अच्छा गाना था। वाह मतलब इनको इनको गानों को जो ये नए लड़के हैं ना, ये अगर याद कर लेंगे तो इनको गाना आ जाएगा आधा। सही बात है, उसमें सब शास्त्रीय संगीत ही छुपा हुआ है। अच्छा, इसमें मुर्की मुर्की कहाँ लगती है नहीं लगती है वो सब जानते हैं इस बात को। अरे मैं आपको बता दूं सैमसन भाई, आप तो गाना गाते हैं, आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और मुझे याद है आपने जब सुनाया मुफ्त हुए बदनाम। वाह, बारात पिक्चर का निपेश का गया हुआ। बहुत बेहतरीन गाना। आप देखिए एक जगह पड़ा मेरे को बार बार कह, रास्ते में हो गई शाम। बार बार आप कह रहे कि गाओ। और मुकेश साहब की अगर आवाज में वो बदावास नहीं थे, वो सुर में गाते थे मुकेश साहब, सुर में बहुत। ये लोग जो थे मुकेश साहब, किशोर कुमार, मन्ना डे और मोहम्मद रफी साहब, ये बिल्कुल बिल्कुल भी इधर सुधर नहीं, इनका जवाब ही नहीं था। एक मतलब अब वो देख रहा म्यूजिक डायरेक्टर ने कि ये आदमी का गला इस काबिल नहीं कि ज्यादा मुर्की ले, तो वो उनको बिना मुर्की के गवाते, तो ऐसा गवा कर कमाल है। ये असल में उनकी खूबियां थी। बहुत अच्छा लगा। तो असलम भाई, आज की और महफिल आपने जो, आप कुछ कहना चाहेंगे? बल्कि हम तो प्रोग्राम को खत्म करने से पहले हम जरूर चाहेंगे कोई मैसेज आपकी तरफ से हमारे बोलते आने के तमाम हमारे दर्शक हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर जी। बच्चे जो है मेरे सामने, जो आज 20 साल का बच्चा है, 25 साल का बच्चा है, मैं इनको एक चीज बता दूं कि बेटा, हथौड़ी छेनी के जिस पत्थरों को चोट सहने की आदत हो गई ना, हथौड़ी छेनी की चोट जिस पत्थर को लगती है ना, तो कभी मूर्ति नहीं बनता, वो जो नहीं लगती उसको बनता। जो टूट जाते हैं ना, कभी नहीं बनते उनकी मूर्ति, और जो नहीं टूटते तो वो रहते। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप हमेशा उस्तादों की इज्जत करें, और माँ बाप की इज्जत से आप बिल्कुल गाफिल ना हो, उस्ताद की इज्जत करें, उस्ताद हो कामिल, शागिर्द हो शामिल, खुदा हो शामिल। तो यही बातें हैं, और ये हमारा काम तो एक दुआओं का काम है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, कौन इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप जो आदमी, देखिए मैं आपको बतला दूं, कभी उस्ताद नहीं बताता, लेकिन उसको खिदमत जो है वो बना, कितनी आप खिदमत करेंगे अपने उस्ताद की? नहीं, नहीं, नहीं आप। बहुत बड़ी बात। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है, और सबको मैं आदाब कहता हूँ और नमस्कार मेरा, और आपको डेविड भाई, सैमसन डेविड भाई, मैं आपको एक बार फिर इस बात का शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, कि आपने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई, आज बोलते आने की जो रौनक आपने बढ़ाई है, और इसका मेन पर्पज यही रहा है कि आज जैसे बड़े बड़े जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, एजुकेशन, ह्यूमन वैल्यूज से, उन तमाम लोगों को बुला के हम जश्न मनाते हैं आपकी अपनी सभ्यता का जो सॉफ्ट पावर है, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ। और ये बहुत अच्छा हुआ कि आज असलम दानिश भाई आज हमारे सामने जो एक्सपोनेंट हैं सरोद के, वो हमारे आए हैं, जो गायकी अंग में विशेषकर उनकी जो है विशेषता है, और आपका बड़ा एक संगीतमय फैमिली, आपके वालिद बहुत मशहूर तबला नवाज उस्ताद अशफ़क़ अली खान, और आपके ब्रदर अकरम साहब, और तमाम बहुत सारे लोग हैं आपके फैमिली से। मेरा तो बचपन सारा अमेरिका में गुजरा, साउथ अमेरिका में मैं था रहता हूँ। अच्छा, गयाना, जो जॉर्जटाउन गयाना में मेरा सारा बचपन वहीं गुजरा। मैं आज भी वहाँ की एक एक बस को जानता हूँ, कौन सा जी बस कहाँ जाती है। बहुत बड़ी बात है। तो डैडी ले गए थे हमें पहले वहाँ। जी, तो मैं तमाम बोलते आने के दर्शकों की तरफ से असलम साहब आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप आए और आपने इस प्रोग्राम में हम जो रिकॉर्डिंग करी, और ये रिकॉर्डिंग तमाम दुनिया में दिखाई जाएगी, और हम सेलिब्रेट करेंगे असलम
दानिश खान साहब और उनके सरोद वादन और उनकी गायकी सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी। आपने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, दानिश असलम मेरा नाम। हाँ दानिश, दानिश। जी जी आदा, बहुत बहुत।